बहुत ज्यादा मिस तो नहीं किया मुझे? लगता है बहुत नाराज हो मुझसे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चाहती हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ऑफ कोर्स, कोई शक है तुम्हें? तुम्हें लगता है ऐसे ठीक होऊंगा मैं? मतलब ध्यान रख रही हूं ना तुम्हारा, ये बेड पे बांध के तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कोई साजिश करने वाली हो तुम, कुछ गलत खतरनाक करने वाली हो। अच्छा, कमाल है तुम्हारी इमेजिनेशन। अच्छा बताओ, और क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम बताओ। मुझे यहां ऐसे कैदी बना के क्यों रखा हुआ है? अगर ये तुम्हें कैद लग रही है तो मैं कुछ ऐसा करती हूं जिससे तुम्हें आजादी महसूस होगी। क्या करोगी? मुझे यहां से बाहर लेकर चलोगी? नहीं, अभी नहीं। अभी तुम्हारे पैरों में बहुत कमजोरी है। अगर अभी बाहर लेकर गई तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से तुम मेरे साथ बर्ताव कर रही हो, मुझे तो लग रहा है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं ठीक होके अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। नहीं अंगद, तुम्हारे इलाज के लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर को मैं जल्दी यहां बुलाने वाली हूं। वो तुम्हारी काया पलट कर देगा अंगद, आई प्रॉमिस। चेहरा तो मुझे भी देखना है अंगद का। जब तुम डॉक्टर डिसूजा से मिलकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाओगी तो उसका चेहरा कोई नहीं पहचान पाएगा। कोई भी नहीं पहचान पाएगा। 2 दिन में अंगद की काया पलट कर दूंगी मैं। ये दुनिया तो क्या, खुद अंगद भी अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, और ना ही वो साहिबा। मैं अंगद को दूंगी नया चेहरा, नई जिंदगी और एक नई पहचान, जिसमें वो साहिबा का नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। कम ऑन, बी अ गुड बॉय नाउ। मेडिसिन टाइम। और जी, की हालचाल? बढ़िया।